साइबर क्राइम वाले ने डिटेल कड़ी उन्हें नाल गल हुई, कहिंदा मैं एडिट जरूर की है लेकिन मैं अपलोड नहीं की है। दोस्तों, सोशल मीडिया जितनी अच्छी चीज है उतना ही ये कभी कभी आपके लिए परेशानी का सबब भी बन जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया ने जहां कुछ लोगों को रातों रात स्टार बना दिया, तो वहीं अगले ही पल अर्श से फर्श पर पटकने में भी टाइम नहीं लगाया। जहां बीते काफी टाइम से कुछ यूट्यूबर्स तो कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्राइवेट वीडियो लीक हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि ये AI के जरिए बनाए गए फेक वीडियो है। इस लिस्ट में पिज़्ज़ा कपल यानी कि सहज अरोड़ा और उनकी वाइफ गुरमीत कौर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर्मिता कौर का नाम ताजा ताजा है, जिनके MMS वीडियो ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। अब इसी बीच पाकिस्तान की जानी मानी टिकटॉकर अलीजा सहर का प्राइवेट वीडियो काफी हंगामा मचा रहा है। अलीजा अपने इस प्राइवेट वीडियो की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है। इस वीडियो को अलीजा का बताकर हर जगह पर वायरल किया जा रहा है, जिसके बाद अलीजा ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस में दर्ज करवा दी है। इसके अलावा मुल्तान में भी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है अलीजा की तरफ से। अब जो वीडियो अलीजा का बताकर हर जगह पर सर्कुलेट किया जा रहा है, उसके बारे में अलीजा का कहना है कि उनका ये वीडियो बिल्कुल नहीं, और बकायदा रोते हुए अलीजा ने इस मामले पर एक नया वीडियो बनाया और अपना रिएक्शन भी दिया। अलीजा का इस पूरे मामले पर कहना है, ये वीडियो जो वायरल किया जा रहा है उनका बताकर ये पूरे तरीके से नकली है और उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अलीजा का ये प्राइवेट वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अलीजा को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस टिकटॉकर को लेकर इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि टिकटॉकर को अपना कमेंट सेक्शन ही बंद करना पड़ गया। उनके जितने भी वीडियोस इस टाइम पर उनके इंस्टाग्राम पर है, वहां पर कोई भी अब कमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि इस वीडियो कॉन्ट्रोवर्सी के बाद, इस MMS कॉन्ट्रोवर्सी के बाद जो टिकटॉकर अलीजा है वो काफी ज्यादा डर गई है। उन्होंने पाकिस्तान की साइबर पुलिस में इस बारे में शिकायत दर्ज तो करवा दी, और इसके साथ ही ये भी बताया है कि साइबर क्राइम वीडियो लीक करने के लिए जो जिम्मेदार शख्स है उसको ट्रैक करने में पुलिस कामयाब हो गई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि फिलहाल वो कतर में रह रहा है। अलीजा सहर ने खुलासा किया है कि ये शख्स बेसिकली ओकारा का रहने वाला है, लेकिन अब वो कतर में रहता है। जब साइबर अपराध अधिकारियों से कॉन्टैक्ट किया गया तो शख्स ने वीडियो को लीक करने की बात को कबूल कर लिया है, लेकिन इसे लीक करने वाले शख्स होने से इनकार किया है। यूट्यूबर ने कहा है कि अगर वो शख्स पाकिस्तान में होता तो उसे सच मिलकर ही रहता, लेकिन फिलहाल वो कतर में है, जिस वजह से पुलिस को भी काफी परेशानी हो रही है। फिलहाल तो आपको बता दें कि कुल्लर पिज्जा कपल कर्मिता के बाद अब ये पाकिस्तानी टिकटॉकर है अलीजा, जिनका प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ये कहकर कि टिकटॉकर ने फेमस होने के लिए अपना वीडियो खुद सोशल मीडिया पर लीक किया है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अलीजा सहर इस प्राइवेट वीडियो की वजह से ट्रोल्स के निशाने पर है, और इस वजह से वो काफी परेशान भी है, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाकर अपने फैंस से गुजारिश की है कि इस वीडियो को सर्कुलेट ना किया जाए, क्योंकि ये वीडियो उनका बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में वो रोती हुई नजर आई है, फैंस से रिक्वेस्ट करती नजर आई है। अलीजा सहर के इस MMS कॉन्ट्रोवर्सी पर क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको भी लगता है कि वाकई ये वीडियो अलीजा का है? जो भी आपको कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।